दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ बोल्ड स्टेप इन बैंक रिफॉर्म तथा इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख अ मॉन्यूमेंटल बेलआउट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करें। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूंजी की समस्या से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 2,11,000 करोड़ रुपए मुहैया कराने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से भारत की आर्थिक समृद्धि की दर में एक अस्थिरता का माहौल है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे प्रयासों को अपना रही है जिससे अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके। इन्हीं प्रयासों के क्रम में सरकार ने इस वर्ष जुलाई में सबसे बड़े कर सुधार यानी GST को लागू कर दिया, किंतु यह प्रयास आगे आने वाले समय में भले ही फायदे का सौदा साबित हो, हाल फिलहाल इसके कोई तात्कालिक सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्था पर दिखाई नहीं पड़े हैं। इसलिए सरकार ने तात्कालिक रूप से अर्थव्यवस्था को गति देने तथा बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने और साख का प्रवाह बढ़ाने का फैसला किया। पुनर्पूंजीकरण से बैंकों को फंसे हुए कर्ज के दुष्चक्र से उबारा जा सकेगा। इन फंसे हुए कर्जों अर्थात गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बढ़ने के कारण ही बैंकों को नए ऋण देने में दिक्कत आ रही है। गौरतलब है कि ऐसा ऋण जिसका 90 दिन की अवधि तक ब्याज या मूलधन किश्त जैसा कोई भुगतान बैंकों को न हुआ हो तो वह ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में दर्ज हो जाता है। इसी के चलते देश की बैंकिंग ऋण वृद्धि 25 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है और निजी निवेश एकदम अवरुद्ध है। बैंकिंग क्षेत्र की गैर निष्पादित राशि यानी NPA जो कि मार्च 2015 में 2.75 लाख करोड़ रुपए थी, जून 2017 में बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देखा जाए तो 2011-12 के बाद से ही बैंकिंग क्षेत्र में सुस्ती का रुख बना हुआ है जिससे उनकी बैलेंस शीट्स बेहतर नहीं हो पा रही हैं। इन समस्याओं को देखते हुए सरकारी बैंकों के कामकाज में सुधार लाने के लिए सरकार ने इंद्रधनुष नाम से एक 7-आयामी योजना शुरू की थी, जिसमें नियुक्तियां, बोर्ड ऑफ ब्यूरो, पूंजीकरण, तनाव मुक्त माहौल, सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा और सुशासन जैसे सुधारात्मक पहल शामिल हैं। इसके तहत सरकार 4 साल की अवधि में सरकारी बैंकों को पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपये देने के लिए कटिबद्ध है, किंतु बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिहाज से यह मात्रा अपर्याप्त थी। अतः लंबी अनदेखी के बाद आखिरकार सरकार ने इन बैंकों को जरूरी मदद मुहैया कराना तय किया है। 2.11 लाख करोड़ रुपए आवंटन की यह योजना 2 साल में विस्तारित है। इसमें बैंकों को 18,139 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तथा 1.35 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया जाएगा। बची हुई राशि बाजार से जुटाई जाएगी ताकि बैंक वैश्विक पूंजी पर्याप्तता और Basel III के मापदंडों का पूरी तरह से अनुपालन कर सकें। गौरतलब है कि Basel III बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, स्ट्रेस परीक्षण तथा बाजार तरलता जोखिम के संबंध में एक वैश्विक ऐच्छिक प्रारूप है। यह बैंकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाले मानकों का निर्धारण कर अर्थव्यवस्था को गतिशील करने तथा आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने में मददगार हुआ है। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की क्या प्रासंगिकता है, इस बात को समझने के लिए हमें बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। RBI के अनुसार किसी भी बैंक के लिए यह जरूरी है कि बैंक एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में पूंजी अपने पास सुरक्षित रखें। इसे बैंकों की पूंजी पर्याप्तता कहते हैं। बैंकों के पास इस न्यूनतम विनियामकीय पूंजी अर्थात रेगुलेटरी मिनिमम से जितनी अधिक मात्रा में पूंजी उपलब्ध होगी, बैंक ऋण देने के मामले में उतने ही अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी तरह बैंकों के पास जितनी कम मात्रा में पूंजी उपलब्ध होगी, बैंकों का ऋण देने के प्रति झुकाव उतना ही कम होगा। अगर बैंकों की पूंजी इस न्यूनतम विनियामकीय पूंजी से कम होगी तो बैंक ऋण देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अगर बैंकों की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में निरंतर बढ़ोतरी होती है तो बैंकों के लिए इसे कम करने के उपाय करना अत्यधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम कर देती है
जिससे ऋण देने की दर में गिरावट आ जाती है। 2012-13 से सरकारी बैंक कमोबेश इसी समस्या से जूझ रहे हैं। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों अर्थात एनपीए का प्रबंधन करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। हम इस पर जितना लगाम लगाने की कोशिश करते हैं यह उतना ही बेकाबू हो जाता है। मान लिया जाए कि किसी बैंक ने किसी संस्था को कुछ राशि ऋण के तौर पर दी है। जब बैंक ने ऋण दिया था तब तो परिस्थितियां ऐसी थीं कि संस्था द्वारा ऋण राशि को चुकाया जाना आसान लग रहा था, लेकिन बाद में प्रतिकूल हालातों में संस्था ऋण चुकाने में असमर्थ हो गई। यदि बैंक उसे इस वित्तीय संकट से उबारने के उद्देश्य से और ऋण देता है तो इस बात का डर लगातार बना रहता है कि कहीं बाद में दिया गया ऋण डूब न जाए। इस प्रकार एनपीए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े सिरदर्द जैसा ही है। साथ ही भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए की समस्या केवल कुप्रबंधन की वजह से ही नहीं है, इसके कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे सरकारी बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों के विपरीत अवसंरचना और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अत्यधिक ऋण दिए। ये ऋण दीर्घकालीन होते हैं तथा इन पर रिटर्न्स भी काफी कम होता है। इससे बैंकों की पूंजी में निरंतर कमी होती गई, अतः बैंकों को तुरंत पुनर्पूंजीकरण की जरूरत महसूस हुई। नई पूंजी के आवंटन की प्रासंगिकता इस बात पर भी निर्भर होगी कि बैंक इसका इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से कर रहे हैं और फंसे हुए कर्ज से कैसे निपट रहे हैं। सवाल यह भी है कि इससे देश की दोहरे बैलेंस शीट की समस्या यानी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम किस हद तक हल हो पाएगी। गौरतलब है कि ट्विन बैलेंस शीट समस्या का संबंध बैंकों तथा कंपनियों दोनों के बैलेंस शीट की समस्या को एक साथ संदर्भित करने से है। इन सब के अतिरिक्त यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पुनर्पूंजीकरण के बाद बैंक कॉरपोरेट्स को नए ऋण देने में कितना सक्षम हो पाएंगे और ये कॉरपोरेट्स किस प्रकार इसका उपयोग नए निवेश के लिए करेंगे। कुछ आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि कॉरपोरेट्स अत्यधिक कर्ज से दबे हुए हैं और वे नया निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। ऐसा केवल कुछ बड़े कॉरपोरेट्स के विषय में ही कहा जा सकता है, यह सामान्य एंटरप्राइजेस के लिए सत्य नहीं है। कुछ विश्लेषक तो यहां तक मानते हैं कि समस्या ऋणों की मांग में है न कि पूर्ति में। पूर्ति तो केवल यह सुनिश्चित करती है कि बैंक ऋण देने को तैयार हैं, लेकिन मांग इस बात पर निर्भर करती है कि समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। यह तो किसी बीमार व्यक्ति को तरह तरह के पकवान देने की तरह है। उसको ढेर सारे पकवानों को देखकर खाने का लालच तो आता है, लेकिन वह चाह कर भी इसे खा नहीं सकता। कहने का मतलब यह कि देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक माहौल तथा स्थिरता की कमी है, तो ऋण के लिए पूंजी उपलब्ध होने पर भी कोई निवेशक आगे नहीं आना चाहेगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात कारोबारी सुगमता का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में कारोबारी नया निवेश करने से बचते हैं। यदि किसी देश में कोई नया उद्यम स्थापित करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या फिर वहां की कर संरचना अत्यधिक जटिल है, तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में कारोबारी सुगमता का अभाव है। हालांकि जीएसटी जैसे कर सुधार लागू करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक माहौल के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने 30 अंकों की छलांग लगाई है और इसकी रैंकिंग 100 पर पहुंच गई है। लेकिन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए हमें बैंकिंग सुधारों पर भी तेजी से ध्यान देना होगा। हालांकि सरकार इसकी दिशा में पहल कर चुकी है। सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई तथा उसके सहयोगी बैंकों की विलय प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे एसबीआई विश्व के 50 सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो गया है। इससे यह एनपीए की समस्या से निपटने में और सक्षम हो जाएगा। इसके पहले भी सरकार बैंकों में उच्च स्तर पर नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कर चुकी है। इससे नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप में कमी आएगी। आर्थिक समीक्षा 2016-17 में सरकार ने एनपीए की समस्या से निपटने के लिए पारा यानी पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी के रूप में बैड बैंक की स्थापना की बात भी की है।
गौरतलब है कि पारा नामक यह संस्था बैंकों के एनपीए को बट्टे या डिस्काउंट पर खरीदकर उसका समाधान करेगी। इसके अतिरिक्त एनपीए की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य प्रयास भी जारी हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से बैंकों को पूंजी की कमी से उबारने के लिए पुनर्पूंजीकरण आवश्यक है। हालांकि पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। विश्लेषक पुनर्पूंजीकरण के राजकोषीय प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पुनर्पूंजीकरण के रूप में जो 2,00,000 करोड़ से भी अधिक राशि बैंकों को आवंटित की जाएगी, उससे राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही पुनर्पूंजीकरण से बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ेगी, जबकि सरकार की मंशा इसे कम करने की रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़े हुए एनपीए के कारण कहीं इस आवंटित पूंजी की अधिकतम राशि बैंकों के बैलेंस शीट को संतुलित करने में ही न चली जाए। गौरतलब है कि विमुद्रीकरण के पश्चात बैंकों में जमा की गई राशि के साथ ऐसा ही किया गया था, इसलिए यदि बैंकों के पास कुछ बचेगा ही नहीं तो वे निवेश के लिए ऋण कहां से देंगे। अतः केवल बैंकों को पूंजी उपलब्ध करा देना ही समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं होगा। हमें इसके लिए अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग क्षेत्र में कुछ संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। हमें फंसे हुए कर्जों की वसूली की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होगा। सरकारी बैंकों के लंबित प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैंकों को प्रदान की जा रही नई पूंजी का समझदारी भरा उपयोग हो पाएगा, क्योंकि अगर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या को नहीं सुलझाया जाएगा तो इसमें और बढ़ोतरी होगी और सरकार को कुछ समय के बाद फिर से पुनर्पूंजीकरण को अपनाना पड़ेगा और यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती जाएगी। आइए अब नोट करें आज का सवाल। सवाल है, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के क्या उद्देश्य हैं? पुनर्पूंजीकरण से जुड़ी कमियों को उजागर करते हुए इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए।